पर अभी तो चुनाव परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन ईवीएम पर दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान उसके पहले आ गया है। ईवीएम तो एक मशीन है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ईवीएम सेट हो जाएगी तो जनता का वोट नहीं पड़ेगा, ईवीएम सेट हो जाएगी तो ईवीएम का वोट पड़ेगा, ये दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हालांकि नया नहीं, हमेशा ऐसा हम देखते आए हैं कि नतीजों के पहले या नतीजों के बाद ईवीएम पर फिर से चर्चा हो जाती है और दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया, एक मशीन ईवीएम है और ईवीएम सेट हो जाएगी तो जनता का वोट नहीं पड़ेगा, ईवीएम सेट हो जाएगी तो ईवीएम का वोट पड़ेगा, ये कह रहे हैं। ईवीएम तो देखिए, मैं तो सन 2003 से इसमें सवाल उठा रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक डीएम का सवाल है, डीएम मेरे ख्याल से मुझे उसमें मुझे लगता कि यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कहीं कुछ गलत करेगा, ईमानदारी से करेगा मुझे उम्मीद है। लेकिन हाँ, अगर ईवीएम तो मशीन है, मशीन जब सेट हो जाएगी तो फिर वोट जनता का नहीं पड़ेगा, ईवीएम का पड़ेगा। राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह। एग्जिट पोल पर चर्चा पर कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, कल एग्जिट पोल आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है और कांग्रेस एग्जिट पोल पर जो चर्चा होगी इसमें शामिल नहीं होने वाली। कांग्रेस की तरफ से यह फैसला लिया गया, किसी भी टीवी डिबेट में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी, एग्जिट पोल को लेकर यह बड़ा फैसला। कल आखिरी दौर के मतदान के बाद एग्जिट पोल आएगा और उसके पहले कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा फैसला ले लिया गया कि एग्जिट पोल पर जो चर्चा टीवी पर डिबेट होती है, टीवी पर चर्चा होती है, इस पर कांग्रेस हिस्सा नहीं लेने वाली, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति हिस्सा नहीं लेगा। कल आखिरी दौर का मतदान है, सुबह से मतदान जो शुरू होगा शाम 6 बजे तक चलेगा और उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इससे दूरी अभी से बना चुकी है। और चूंकि कांग्रेस दूरी बना चुकी है तो इस पर जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष या बीजेपी जो है वह हमला बोलेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, कांग्रेस को एग्जिट पोल से भागना नहीं चाहिए। अमित शाह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को एग्जिट पोल से नहीं भागना चाहिए, हार की सफाई ना देने की वजह से यह फैसला लिया गया है। अमित शाह कह रहे हैं हार के बाद मीडिया को कैसे मुंह दिखाएंगे, कांग्रेस को यह पता है कि एग्जिट पोल में प्रचंड हार होने वाली है, यह अमित शाह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर मुंह कैसे दिखाएंगे हार के बाद मीडिया को, इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि हार की सफाई ना देनी पड़े, इस वजह से यह कांग्रेस फैसला ले रही है। एनडीए की सीटें 400 पार आ रही हैं, यह अमित शाह कह रहे हैं।